भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देता है, देता है क्या? नहीं, वो तो रास्ता बताता है, कीमत देता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा पावेंगे, वैसा करेंगे तो वैसा पावेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है। अब जो आत्मा जैसा पार्ट बजाती है, जन्म जन्मांतर उनको वैसी ही प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य बात में आया था तो सोए हुए थे क्या? मैंने अज्ञानी में सोए हुए थे क्या? अज्ञानी माने क्या? भगवान जो ज्ञान सुनाता है वो ज्ञान के सवेरे में ले जाने वाला है या रात्रि में ले जाने वाला, अंधकार में ले जाने वाला ज्ञान है? बाकी मनुष्यों से जो कुछ सुनते हैं या मनमत से जो हम चलते हैं, ईश्वर की श्रीमत को छोड़कर चलते हैं, उससे हम अंधेरे की दुनिया बनाते हैं। अंधेरे में भटकना होता है, ठोकरे खानी होती है, धक्के खाने होते हैं। नहीं तो भगवान तो इस सृष्टि पर आकर के हमको जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है राजयोग सिखाकर, नहीं तो कोई बताए ये जन्म जन्मांतर जो हिस्ट्री में राजाएं हुए हैं इनको राजाई अर्थात कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई, कब सिखाई? जरूर भगवान ही आकर के रंग को राजा बनाता है, अभी बना रहा है। अब ये तो नहीं है कि पढ़ाई पढ़ने वाले जितने भी होते हैं वो सब ऊंच पद पा जाते हैं, पाते हैं क्या? नहीं, पढ़ेंगे कहते भी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, खेल कूद करते रहेंगे, खेल करते हैं ना फालतू के, तो होंगे खराब। तो कुछ अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बिगाड़ते रहते हैं, अपना भी बिगाड़ते हैं और संग में पार्ट बजाने वाले साथियों का भी पार्ट खराब कर देते हैं। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में भाग्य देने के लिए आया हुआ है, चाहे तो हम अपनी मुट्ठी में भाग्य जन्म जन्मांतर का बनाए लेवे और चाहे तो जन्म जन्मांतर का भाग्य खराब कर ले। बाकी मुसलमान लोग ऐसे कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। लेकिन वास्तव में भगवान को सुख का सागर कहा जाता है, सुखदाता कहा जाता है या दुखदाता कहा जाता है? दुख का सागर कहा जाता है, कोई नहीं कहता। भगवान तो सुख ही देने आता है और सुख मिलता है सब कर्म से, सब कर्म पुण्य को कहा जाता है। पुण्य क्या होता है? पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं, उसकी साधारण से साधारण परिभाषा क्या है? ऐसा कर्म जिसके रिजल्ट में
हमें और दूसरों को भी सदा काल का सुख भासता रहे वो है पुण्य। और ऐसा कर्म हम करें जिसके रिजल्ट में सदा काल के लिए क्या भासता रहे, दुख भासता रहे, वो है पाप। भगवान पाप करना नहीं सिखाता, दुख देना नहीं सिखाता। उसका तो नारा है न दुख दो न दुख लो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। सुख का ही फाउंडेशन डालना चाहिए। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बिगड़ी हुई दुनिया में आएंगे या सुधरे हुए युग में आवेंगे? मकान जब पुराना हो जाता है, दुखदाई हो जाता है, तब ही कोई बाप पुराने मकान को गिराकर नया बनाता है। भगवान बाप भी ये सच रूपी मकान जब सतयुग सतो प्रधान से बदलते बदलते त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में आकर तम प्रधान बन जाता है, उसकी निशानी है कि हर मनुष्य आत्मा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से तन से धन से मन से दुख जरूर अनुभव करती है। दुख लेती है और दुखी मन सा वाचा कर्मणा दूसरों को देती है। कोई ऐसी आत्मा देखी मनुष्य आत्मा? सुनी जो ये कहे कि मैं सदैव ही सुखी सुख में हूं और दूसरों को सुखी सुख देता हूं, कोई ने नहीं देखी सुनी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो गायन कैसे होता है सत्यनारायण का? सत्यनारायण की तो शास्त्रों में भी कोई ग्लानी नहीं है, जरूर सुख ही दिया होगा। मंदिरों में भी जाते हैं तो उनके जड़चित्तों को देखने से ही खुशी हो जाती है। तो जब उन्होंने चैतन्य रूप में पाठ बजाया होगा तो कितने सुखदाई रहे होंगे। जो भी आत्माएं उनके संसर्ग संपर्क में संबंध में आई होंगी सबने सुख ही अनुभव किया होगा, चाहे संबंध में आने वाली हो। संबंध गहरा होता है, संपर्क हल्का होता है। तो संबंध में आने वाली आत्माएं भी सुखी ही सुख अनुभव करती हैं, किसी प्रकार का दुख अनुभव नहीं करती। शरीर के द्वारा ही सुख और दुख दिया जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख भोगा जाता है। तो वो सत्यनारायण का पार्ट ही ऐसा है कि कोई भी मनुष्य आत्मा उनसे दुख का अनुभव नहीं करती है, सुख ही सुख का अनुभव करती है। हाँ, अपनी ही गलत फहमी के कारण कोई दुख अनुभव करे सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुख अनुभव करे वो दूसरी बात। नहीं तो भगवान बाप तो कहते हैं कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति को पाया है। क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की सुनी
सुनाई बातों से अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिया। तो कितनी दुर्गति हो जाती। भगवान बाप तो कहते हैं स्वधर्म निधनम से पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म सदैव भय पैदा करने वाला, दुख पैदा करने वाला है। अभी भगवान बाप तो जन्म जन्मांतर का सुख ही सुख बांटने आए हैं,